आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है यूनिट डिजिट और लास्ट टू डिजिट फाइंड आउट करने का। एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है। सीडीएस वगैरह में, आईबी के एग्ज़ाम में, आप बैंकिंग के किसी एग्ज़ाम को दे रहे हो या रेलवे के किसी एग्ज़ाम को दे रहे हो, तो उन पर या यूनिट डिजिट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम कैट लेवल जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर लास्ट टू डिजिट्स पूछे जाते हैं। तो ये एक बढ़िया चैप्टर है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट होते हैं, नए कॉन्सेप्ट है। हम किसी भी चीज़ को ट्रेडिशनल मेथड से नहीं सीखेंगे, हम उसके प्रैक्टिकल रूल के बारे में बात करेंगे और उसका जो कॉन्सेप्ट है वो प्रैक्टिकल लेके चलेंगे हम बच्चों। जैसे मान लीजिए मैं एक छोटे से क्वेश्चन से बोलूँ आपको कि 23 × 579 × 34। मैं आपको कह रहा हूँ बच्चों इन सबको मल्टीप्लाई करें, तो इस मल्टीप्लिकेशन का आखिरी एक डिजिट बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए मुझे 23 को 47 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई कर रहे हो और आपको केवल आखिरी डिजिट निकालना है, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे या 1 आएगा, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 और 2 161। अब जब आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो नंबर यहां ऐसे लिख रहे होंगे, 4 3 जा 12। यानी जब हम सोल्व कर रहे होंगे तो यूनिट डिजिट यही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद यहाँ पे ये स्पेस खाली छोड़ के हम आगे से लिखना शुरू करेंगे। तो इसका मतलब अगर किसी मल्टीप्लिकेशन का आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो बस आखिरी यानी यूनिट डिजिट्स का ही मल्टीप्लिकेशन करिए। 3 को 7 से 1 आया, वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे हमें सोचना है कि 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 9 = 27, यूनिट डिजिट बना 7। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28, सो यूनिट डिजिट बना बच्चों 8। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन लिया मैंने, 37 42 73 45, यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। तो जैसे आप 7 को 2 से करेंगे तो 14 आएगा, 4 को 3 से करेंगे 12 आएगा, 2 को 5 से करेंगे 10, यानी यूनिट डिजिट आएगा 0। तो अगर हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो हमें पूरी मल्टीप्लिकेशन नहीं देखनी, हमें बस उस मल्टीप्लिकेशन के या उन एक्सप्रेशन के आखिरी डिजिट को पकड़ना है और उन्हें मल्टीप्लाई करते हुए चेक करना है। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और एक और छोटी सी बात को समझते हैं कि अगर किसी एक्सप्रेशन का आखिरी एक अंक 1 हो, 0 हो, 5 हो या 6, तो आप इनकी जो मर्जी पावर रखिए बच्चे, किसी भी पावर पे इनकी यूनिट डिजिट जो रहते हैं वो सेम ही रहते हैं। यहाँ है तो 0 ही रहेगा, यहाँ 1 ही रहेगा, यहाँ 5 ही रहेगा, यहाँ पे 6 ही रहेगा। यानी इनकी किसी भी पावर के लिए जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा सेम ही होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि 5 raised to power 1 बताइए क्या होगा, बोलेंगे सर 5। 5 raised to power 2 बताइए क्या होगा बच्चों, इट बिकम्स 25। 5 raised to power 3 बताइए बच्चों क्या होगा, इट बिकम्स 125। मैं कहूँ बच्चों 5 raised to power 4 बताइए क्या होगा, 625। यानी आप कितनी भी पावर करते चले जाइए आपका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या रहेगा, 5। ऐसे ही मैं 6 को लेके चलता हूँ कि बच्चों मुझे 6 की पावर 1 बताइए क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 6। मैं कहूँ 6 raised to power 2 बताइए बच्चों क्या होगा, तो 36। मैं कहूँ 6 raised to power 3 बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 216। यानी आप कितना भी आगे बढ़ते रहिए आपका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा, 6। तो यहाँ से हम एक बात ये समझें कि अगर किसी नंबर का आखिरी अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, तो इनके जो यूनिट डिजिट हैं वो वही रहते हैं, यानी सेम रहते हैं, नो चेंज होता है। इन पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं जनरली वो आप समझिए। क्वेश्चन इस तरह से बोलेगा कि 2 raised to power 3 raised to power 4, 3 raised to power 4 raised to power 5, 4 raised to power 5 raised to power 6, 4 raised to power 5 raised to power 6 और इस तरह से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस एक्सप्रेशन के आखिरी एक अंक बताइए या फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का आखिरी एक अंक बताइए, यूनिट डिजिट बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपने सीखा 5 और 6, आपने जो यहाँ डिजिट देखे 0 1 5 6, उसमें 5 और 6 है। तो आपको पता है 5 की जो मर्जी आप पावर लगाइए यूनिट डिजिट कितना रहेगा, 5 ही रहेगा। ऐसे ही 6 की जो मर्जी आप पावर लगाइए यूनिट डिजिट कितना रहेगा, 6 ही रहेगा। और अगर 5 की 6 से मल्टीप्लाई की जाए तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 0। और बच्चों 0 को आप किसी से भी गुना करेंगे, 0 को आप किसी से भी गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या बना रहता है, 0।
क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब इन सबको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आखिरी में जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका यूनिट डिजिट होगा 0। चलिए बच्चों कुछ और कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों दो नंबर हैं, एक 4 और एक 9। ये ऐसे दो नंबर हैं जिनकी यूनिट डिजिट हर दो पावर के बाद चेंज होते हैं। यानी अगर मैं 4^1 रखता हूँ तो यूनिट डिजिट 4 रहेगा। अगर मैं 4^3 रखूँगा तो यूनिट डिजिट 4 रहेगा। मैं अगर आपको 4^5 करता हूँ तो भी यूनिट डिजिट 4 ही रहेगा। लेकिन अगर मैं 4^2 करता हूँ बच्चों तो यूनिट डिजिट रहेगा 6। 4^4 करता हूँ यूनिट डिजिट रहेगा 6। 4^6 करता हूँ फिर यूनिट डिजिट रहेगा 6। यानी 4 और 9 ऐसे नंबर हैं जिनकी ओड पावर और आप समझिए इवन पावर पर इन्हें ट्रांसफ़र करता है। यानी ओड और इवन पावर पर इनके यूनिट डिजिट चेंज होते हैं। जैसे 9 की ओड पावर करेंगे तो 9 ही रहेगा, मतलब 9 की पावर 1 करें, 9 की पावर 3 करें तो 9 ही रहेगा, और 9 की इवन पावर करेंगे तो यूनिट डिजिट होगा बच्चों 1। आप इसे इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, आप इन्हें ऐसे भी सोच सकते हैं कि हर दो पावर के बाद ये अपने यूनिट डिजिट को रिपीट कर रहे होंगे। जैसे 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 6, 4 की पावर 3 बच्चे फिर से कितनी आ जाएगी 4। तो यानी हर दो पावर के बाद रिपीट कर रहे हैं। या आप इसे ऐसे समझें कि अगर 4^ ओड नंबर है तो यूनिट डिजिट सेम रहना, अगर इवन नंबर है तो हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1। मतलब चीज़ों को रटना नहीं है, प्रैक्टिकली समझना है। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे 784^789, तो आप ये देखिए कि जो नंबर है ये इवन नंबर है या ओड नंबर है। आप जानते हैं इवन नंबर वो होते हैं जिसका जिस नंबर या जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, और 2 से कोई नंबर तभी डिवाइड होता है जब आखिरी डिजिट या तो 0 हो उस नंबर का, या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। यानी मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ आपको कि कोई भी नंबर इवन नंबर तभी होगा जब उसका यूनिट डिजिट क्या हो, इवन नंबर हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं, या 0। तो ये ओड नंबर है, अगर ओड नंबर है तो बच्चों 4 पे यूनिट डिजिट कितना होगा, 6। आप उस टेबल को मत याद रखिए, बस ऐसे सोचिए कि ओड नंबर है तो 4 की पावर 1 करता हूँ तो यूनिट डिजिट कितना आया, 4। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैंने कहा 7 74^26, बस आप ऐसे सिंपल देखिए पावर क्या है, इवन। अगर इवन पावर है तो 4 के पे इवन पावर पे सोचिए, यानी 2 पे देखिए क्या होता है, 4 की पावर 2 होता है 16, यानी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6। या तो टेबल याद रखिए कि 4 पे ओड पावर पे 4 और इवन पावर पे 6। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि 9^81 यूनिट डिजिट बताइए जी क्या होगा, तो आप देखेंगे 9 की पावर ओड नंबर है या इवन। अगर ओड नंबर है तो 9 ही रहेगा। अगर मैं कहता 9 की पावर 82 है, 82 है, तो यूनिट डिजिट बताइए कितना होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों कि ये ओड पावर है या इवन पावर है, तो आप कहेंगे सर ये इवन पावर है। अगर ये इवन पावर है तो यूनिट डिजिट कितना होगा बच्चों, कराया हुआ 1। याद ना हो तो आप ऐसे देखिए 9 की पावर इवन यानी 2 ले तो 9 की पावर 2 81 होती है, यानी यूनिट डिजिट होगा 1। तो इस तरीके से आप चीज़ों को याद रखेंगे यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 789^985, बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा। आप ये देखिए ओड पावर है या इवन पावर है, ओड पावर है। अगर ओड पावर है तो यूनिट डिजिट कितना होगा बच्चों, 9। इवन होता तो यूनिट डिजिट ले रहे होते 1। तो इस तरीके से इन चीज़ों को हम डील कर रहे होंगे। चलिए बच्चों जो अभी कॉन्सेप्ट सिखाया इसी पर क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। क्वेश्चन इस तरीके से है कि ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और पूछ रहा है सवाल में कि इस एक्सप्रेशन के आखिरी एक अंक बताइए या यूनिट डिजिट बताइए। तो प्यारे बच्चों अभी एक चीज़ समझाइए कि अगर 4 की इवन पावर होगी तो यूनिट डिजिट 6, ओड पावर होगी तो 4, ऐसे 9 की इवन पावर होगी तो 1, तो ओड पावर होगी तो 9। हमें बस उसी कॉन्सेप्ट को समझना है। इस सीक्वेंस में अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों कितनी टर्म है, तो आप बताएंगे सर 100 टर्म है। 100 में से 50 टर्म 4 वाली होंगी और 50 टर्म 9 वाली होंगी। एक दूसरी सबसे अच्छी चीज़ आप यहाँ देख रहे हैं क्या कि हर एक जगह 4 पे ओड पावर है, हर एक जगह 4 पे क्या है बच्चे, ओड पावर है। तो आप जानते हैं अगर 4 पे ओड पावर हो तो यूनिट डिजिट कितना बनेगा, 4। यानी मैं इसे डिटेल में लिखूं तो आपको इस तरह से समझाऊंगा, 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5 और 4^99। ऐसे यहाँ करें तो 9^1, 9^3, 9^2 था, 9^4, 9^6 और इस तरह से चलते रहें तो 9^100।
तो इसे सोल्व कर रहे होंगे, तो यहाँ यूनिट डिजिट चार, यहाँ पे भी चार, यहाँ पे भी चार, और इस तरीके से हर एक बार यूनिट डिजिट चार चार आएगा। तो हम सबको जोड़ेंगे तो चार कितनी बार जोड़ना है बच्चों, 50 बार। तो चार को 50 बार जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट कितना बन रहा होगा बच्चों, चार गुना जोड़ कितना बन रहा होगा, चार गुना 50 यानी 200, तो यूनिट डिजिट बन रहा होगा बच्चे 0। ऐसे ही यहाँ पे आ रहे होंगे तो 9 की इवन पावर है, और अगर 9 की इवन पावर है तो यूनिट डिजिट कितना बना, एक 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 एक, तो हर एक बार यूनिट डिजिट आ रहा होगा एक। अगर हर एक बार यूनिट डिजिट एक आ रहा होगा तो एक को कितनी बार जोड़ रहे होंगे, 50 बार। तो एक को 50 बार जोड़ रहे होंगे तो यूनिट डिजिट क्या बन रहा होगा, 0। तो 0 में 0 जोड़ रहे होंगे तो बच्चे आखिरी में यूनिट डिजिट कितना बनेगा, 0। तो ये हो गया हमारा आंसर।